दोस्तों हमारे इस पृथ्वी में 70% हिस्से में पानी ही पानी है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। और इसी जलमंडल में 5 महासागर मौजूद हैं, जिनमें सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन, दूसरा है अटलांटिक महासागर और तीसरा है हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन, और चौथा है दक्षिणी महासागर, और पांचवा और सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। दोस्तों साइंस के क्षेत्र में हम मानव ने काफी तरक्की कर ली है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इसके बावजूद भी हम मानव इस विशाल समुद्र की अभी तक केवल 20% हिस्से का ही गहन अध्ययन कर पाए हैं। इस समुद्र की असीम गहराइयों में अभी भी तकरीबन 80% हिस्सा हम मानव से बिल्कुल अनजान है, यानी कि महासागरों की गहराइयों में आज भी कई सारे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जिससे हम मनुष्य आज भी अनजान है। और ऐसे ही एक रोचक एवं कल्पनाओं का हिस्सा है हिंद महासागर। दोस्तों हिंद महासागर विश्व के 5 महासागरों में प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जो कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 7% हिस्से में फैला हुआ है। दोस्तों आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा, पूरी पृथ्वी की सतह पर जितना भी पानी मौजूद है उसका तकरीबन 20% हिस्सा अकेले हिंद महासागर में ही मौजूद है। दोस्तों इस महासागर का सबसे खास बात यह है कि इसका नाम हमारे प्यारे देश हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है। यह दुनिया का एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। दोस्तों संस्कृत के पुस्तक में इसे रत्नाकर के नाम से बुलाया जाता है, जिसका अर्थ होता है रत्न उत्पन्न करने वाला महासागर। वैसे आपको यह भी बताता चलूं, हिंदू ग्रंथ में इस महासागर को हिंदू महासागर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे आपने यह भी सुना होगा कि हिंद महासागर को सबसे युवा महासागर भी कहा जाता है, क्योंकि शोधकर्ताओं के माने तो इस महासागर का जन्म तकरीबन 73 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। दोस्तों हिंद महासागर का पानी विश्व के अन्य महासागरों की तुलना में काफी गर्म मानी जाती है, यानी कि हिंद महासागर का पानी कभी कभी इतना गर्म हो जाता है कि इसका टेम्परेचर 36 डिग्री तक पहुंच जाता है। दोस्तों हिंद महासागर का कुल क्षेत्रफल 7,05,60,000 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के दक्षिणी सिरों में हिंद महासागर की चौड़ाई तकरीबन 10,000 किलोमीटर है, जिसमें लाल सागर और फारस की खाड़ी भी शामिल है। अगर गहराई की बात की जाए तो हिंद महासागर की औसतम गहराई 3,890 मीटर है और अधिकतम गहराई 8,047 मीटर है। दोस्तों यूं तो इस महासागर में हजारों द्वीप मौजूद हैं, लेकिन इनमें से सबसे बड़े द्वीप मेडागास्कर और श्रीलंका है। दोस्तों हिंद महासागर का फैलाव भारत के पश्चिम में अफ्रीका तक तो पूर्व में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की सीमाओं तक फैला हुआ है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं महासागरों में पानी का बहाव हमेशा एक ही दिशा में होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी हिंद महासागर में पानी का बहाव साल में 2 बार परिवर्तन होता है। गर्मियों में मॉनसून की हवाओं के कारण पानी का बहाव भारत की ओर होती है तथा सर्दियों में अफ्रीका की ओर बहने लगती है। तो आइए जानते हैं हिंद महासागर में कौन कौन सी नदियां जाकर मिलती हैं। हिंद महासागर में जाकर मिलने वाली नदियों में सबसे प्रमुख नदी सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, इसके अलावा विश्व की 2 सबसे बड़ी नदियां ब्रह्मपुत्र और गंगा हिंद महासागर में जाकर मिलती हैं। यह नदियां 2000 किलोमीटर दूर हिमालय पर्वतमाला से रेत और मिट्टी लाकर समुद्र में जाकर डालती हैं, जिनसे नदियों के मुहाने के आगे महासागर में अनेकों टापू बन जाते हैं। इनमें से कई ऐसे द्वीप भी बन जाते हैं जिनकी प्राकृतिक सुंदरता विश्व में और कहीं नहीं देखी जा सकती है, जो कि पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त सुनाता ट्रेंच है, जिसे कि जावा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। इसकी अधिकतम गहराई 7,730 मीटर है और लंबाई तकरीबन 3200 किलोमीटर तक है। दोस्तों क्या आप जानते हैं हिंद महासागर एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को जोड़ता है, जो कि व्यापार के दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखता है। भारत का तकरीबन 78% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर से ही होता है। वैसे तो हिंद महासागर की सीमाएं 40 देशों को छूती हैं और इनके तटों पर विश्व की 40% आबादी बसती है। साथ ही विश्व के व्यापार का 2/3 हिस्सा और संपूर्ण मालवाहक का 1/3 हिस्सा केवल हिंद महासागर से होकर ही गुजरता है, जो कि देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी भरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।